सर, अखिलेश यादव के समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे, कानून व्यवस्था किस तरीके से संभाली जाएगी, किसको किसको अभी तक हिरासत में? देखिए, आप लोग अवगत हैं कि लखीमपुर खीरी में जो कलकत्ता हुई है उसको देखते हुए वहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखने के वहाँ 144 लागू कर दी गई है। लखनऊ में 144 लागू की गई है। लखीमपुर खीरी जिला प्रशासन के अनुरोध पर हम लोगों ने, जब रात में पता चला कि माननीय अखिलेश यादव जी और अन्य नेता लखीमपुर खीरी तरफ जाने की कोशिश कर सकते हैं, उन सबको हम लोगों ने लिखित रूप में सूचित कर दिया था कि आप खीरी जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दें। उसके बावजूद आज प्रातः माननीय अखिलेश यादव जी अपने आवास से बाहर निकले, उनके कार्यकर्ता भी समर्थक भी वहाँ आ गए, वहाँ धरने बैठे हुए थे। उनसे बार बार रिक्वेस्ट किया गया अपना धरना समाप्त कर दें, अपने आवास के अंदर चले जाएँ। जब नहीं गए तो उन्हें 144 धारा के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा रामगोपाल यादव जी गिरफ्तार हुए हैं, शिवपाल यादव जी गिरफ्तार हुए हैं और सतीश चंद्र मिश्रा जी अपने आवास पर हैं। इसी के साथ आपको ये भी अवगत कराना है कि जहाँ कार्यक्रम सब चल रहा था उसके बहुत पीछे एक पुलिस की जीप खड़ी थी, उसमें कुछ शरारती आतंकी तत्वों ने उसमें आग लगा दी है। उसको हम लोग मुकदमा पंजीकृत कर उनको सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और अन्य माध्यम से चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, अखिलेश यादव को गिरफ्तार करने के बाद कहाँ ले जाया गया? अभी हम लोग ले जा रहे हैं, जैसा आगे हम लोग की स्थिति बनेगी, आवश्यकता बनी, उस अनुसार उसे डबल ले जाएगा।